फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि नई रेसिपीज आपको फौरन मिल जाएं। आइए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवाज किचन। आज मैं आपके लिए बनाने जा रही हूँ पोटैटो डोनट्स। इसके लिए मैंने दो बड़े साइज के आलू ले लिए इस तरह से और इन्हें उबाल लिया है। तो इन्हें मैं पहले ग्रेट करूंगी। आलू को हमें ग्रेट कर लेना है इस तरह से। आप चाहें तो मैश भी कर सकते हैं। जब मैश करें तो बस ध्यान रखें कि इसमें बिल्कुल भी गांठें ना रह जाएं, बहुत अच्छे से मैश हो जाएं। आलू को मैंने ग्रेट कर लिया है। अब इसमें सब मसाले ऐड कर देंगे। ये मैंने लिया है 1/2 टीस्पून चाट मसाला, 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 3 पिंच हल्दी ली है, हल्दी से इसमें कलर अच्छा सा आ जाएगा। 1/2 टीस्पून ही मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है और सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लें। ये सब मसालों को हम आलू में ऐड कर देते हैं। इसमें जो मैं लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ और काली मिर्च, इसकी क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और ये मैंने लिया है 1 टेबल स्पून मैदा और 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर। इससे डोनट्स जो है काफ़ी क्रिस्पी बनेंगे। एक छोटे साइज की प्याज ली है, जिसे मैंने बहुत ही बारीक चॉप कर लिया है। आप चाहें तो प्याज को भी ग्रेट कर लें और ग्रेट करने के बाद जो उसका पानी निकलता है वो उसे अलग कर दें। प्याज को बिल्कुल ड्राई कर लें। और यह 3 टेबल स्पून हरा धनिया और 1 हरी मिर्च ली है, इन सबको भी इसमें ऐड कर देंगे। ये 1 एग लिया है, इसमें ऐड करेंगे ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स इतने ऐड करना है कि हमें जो ये मिक्सचर तैयार करना है वो एकदम डो के फॉर्म में आ जाए, बिल्कुल जिस तरह से आटा होता है उस तरह से। तो थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे ब्रेड क्रम्स को, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो और ऐड कर लेंगे। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दें। आप देखिए डोनट्स कितनी जल्दी बन जाते हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। आप जिस टाइम भी चाहे बना लें, बच्चों के लंच बॉक्स में दे दें, टी टाइम बनाएं, काफ़ी टेस्टी लगते हैं ये। आपके घर पर गेस्ट आ जाएं उनके लिए बना लें। इसे हाथ से मैं मिक्स करूंगी। इसे हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए जो आलू का मिक्सचर है अभी भी थोड़ा गीला सा लग रहा है, इसे थोड़ा सा डो के, जिस तरह से मैंने कहा आपको डो के फॉर्म में आना चाहिए, जैसे आटा गूंथते उस तरह से होना चाहिए। तो इसमें अभी ब्रेड क्रम्स और भी ऐड किए जाएंगे। ये देखिए ये बिल्कुल तैयार है, इस तरह से होना चाहिए। आप देखें जिस तरह से आटा होता है गूंथ के, जब हम आटा रखते हैं इसी तरह से होता है, बस ऐसे ही होना चाहिए। अब इसे मैं 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख देती हूँ, जिससे ये जो है अच्छे से सेट हो जाए मिक्सचर। उसके बाद हम डोनट्स बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए ये मैंने 2 एग्स लिए हैं, इसमें 2 पिंच मैंने काली मिर्च पाउडर डाला है और थोड़ा सा सॉल्ट, और इन सबको अच्छे से बीट कर लेंगे। देखिए अब डोनट्स बना लेते हैं। हाथ में मैं थोड़ा सा ऑयल लगा रही हूँ, जिससे कि आलू जो है ना हाथ में चिपके नहीं। एक पोर्शन ले लेंगे। ये देखिए इस तरह से करेंगे। साइड से इस तरह से कर दें, ये जो साइड में अगर थोड़ा सा क्रैक है वो सही हो जाएगा। और अब डोनट्स बनाने के लिए मैं किसी चीज़ का यूज़ नहीं कर रही हूँ, फिंगर का यूज़ कर रही हूँ। फिंगर को थोड़ा सा ऑयल में डिप करें और इस तरह से इसे कर दें, बहुत ही आसानी से बन जाता है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। देखें आप, इसे दूसरी साइड से भी इस तरह से कर दें। ये देखिए कितना परफेक्टली डोनट बन के तैयार है ना।
कितना अच्छा सा बन गया है, मैंने कोई चीज़ यूज़ नहीं की है, ऐसे ही बना लिया फिंगर से। तो आप भी इसी तरह से बना ले, देखें। अब इसे डिप करेंगे एग में और फिर ब्रेड क्रम्स में। ब्रेड क्रम्स को दूसरे हाथ से इस तरह से कर लें, क्योंकि एक के हाथ से अगर करेंगे तो सब ब्रेड क्रम्स हाथ में चिपक जाएंगे। ये देखिए, फिर एक बार इसे इस तरह से सेट कर दें। ये देखिए आप कितने अच्छा से डोनट बन के तैयार हो गया है। इसे एक साइड में रख देते हैं। इसी तरह से मैं दूसरे डोनट्स भी बना लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, पोटैटो डोनट्स बना के बिल्कुल रेडी हैं। मैंने इसे तैयार कर लिया कोटिंग करके, अब इसे हम फ्राई कर लेंगे। और आप देखें सिर्फ दो आलू में कितने ज़्यादा से डोनट्स बने हैं। तो चलिए अब इसे फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए, ऑयल मैंने पहले से गर्म करने रख दिया था। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है, फ्लेम को मैंने मीडियम पे कर दिया है। डोनट्स जो है ना बहुत हाई फ्लेम पे नहीं सेके जाएंगे, बल्कि लो मीडियम फ्लेम पे सेके जाएंगे। तो इसलिए फ्लेम को, ऑयल को पहले अच्छे से गर्म कर लें, उसके बाद फ्लेम को कम कर दें। मैंने फ्लेम कम कर दी है, अब इसमें मैं डोनट्स ऐड कर देती हूँ। और फ्लेम को बिल्कुल लो पे कर देंगे अभी, क्योंकि ये अंदर तक अच्छे से सिक जाए। इसलिए अभी इसे हम चलाएंगे नहीं, इसी तरह से पकने देंगे, क्योंकि अगर इसे हमने चला दिया तो इसकी कोटिंग एकदम से उतर जाएगी। तो देखिए इसकी साइड्स चेंज कर देते हैं। देखिए हल्के से ये गोल्डन होने लगे हैं, इसी तरह से होना चाहिए। फ्लेम को मैंने स्लो पे किया हुआ है, जिससे ये अच्छे से अंदर से कुक हो जाए। देखिए ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं डोनट्स। आपको मैं इसका कलर दिखाती हूँ, कितना अच्छा कलर आया है। देखिए कितने अच्छे लगा है। इसे मैंने स्लो फ्लेम पे ही कुक किया है, आप देखें। तो अब इसे मैं निकाल लेती हूँ और जो बाकी के डोनट्स हैं उन्हें भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी पोटैटो डोनट्स की आपको ये रेसिपी? है ना मज़ेदार सी, झटपट से बनके भी तैयार हो जाती है और टेस्टी भी बहुत होती है। जितने ही आपको देखने में अच्छे लग रहे हैं, उससे कहीं ज़्यादा ये टेस्ट में अच्छे हैं। तो आप लोग अपने किचन में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे अपने कमेंट्स में भी बताएं कि आपको कैसी लगी। और देखते रहें मेरे चैनल को, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत ही टेस्टी टेस्टी डिशेज लाने वाली हूँ। और साथ ही में मेरे वीडियोज़ को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। इंजॉय करें पोटैटो डोनट्स। थैंक यू।